वाह वाह बालवी, यह सब कुछ कितना बड़ा और सुंदर है। हाँ मैं है बालवी, ये सीढ़ियाँ ये कहाँ जाती है? ये तो कहीं नहीं जाती, ये तो यहीं रहती है। अरे बाबा, मेरा मतलब है कि इन सीढ़ियों पे चढ़ के हम कहाँ जा सकते हैं? रानी परी के महल में, और तुम्हें पता है हमें परी तारा वहीं मिलेगा। वाह, रानी परी, रानी महल, परी तारा, बालवीर मुझे सब देखना है। महल संभालो महल। हाँ, अरे डुबा डुबा, सुनी आपने आवाज? कोई अभी अभी सुनी आपकी आवाज? वो मेरी नहीं, नीचे से आ रही थी वो। लगता है किसी ने रखा है पैर महल की सीढ़ियों पर अभी अभी, बिना आज्ञा रानी परी की। चलो पकड़ो, दौड़ो। चलो चलो दौड़ो। रानी परी की आज्ञा के बिना कोई सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता। तुम्हें बैर नहीं रखना चाहिए था। सॉरी सॉरी बालवी। अब सारे डूबा डूबा को पता चल गया होगा कि कोई ना कोई आया है। डूबा डूबा, ये कैसा नाम है? डूबा डूबा परी लोग के रक्षक है। तुम्हें पता है वो हमेशा खुशी में डूबे रहते। अरे डूबा डूबा आ गए, छू जाओ। मैं मेहर तो वापिस आ गई, और मोबाइल में गए सारे बच्चे वापिस आ गए, और ये पता नहीं चल रहा है कि बालवीर वापिस आया कि नहीं। हाँ यार, मेहर को तो हम तीनों ने वापिस आते हुए देखा, पर बालवीर को किसी ने नहीं देखा। हाँ यार, कुछ तो आइडिया निकालो ये पता करने का कि बालवीर वापिस आया कि नहीं। मोंटू, यार धूप में खड़े खड़े माइंड काम नहीं कर रहे। चल पिज्जा शॉप में चलते, वहां तू 3 लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर करना। हाँ, और वो भी एक्स्ट्रा चीज और मशरूम के साथ। फिर तू देख तेरे को कैसे आइडिया देते हैं हम लोग। चल। ओए, तुम दोनों अपना आइडिया अपने पास ही रखो। तुम दोनों का आइडिया लेने में ना बहुत खर्च है, मैं कुछ आइडिया सोच लूंगा। अरे यार, आपका पिज्जा गया। तेरी मर्जी, मतलब हमारा आइडिया, तुम तो तेरे भले के लिए सोच रहे थे। हाँ, एक मिनट, आ गया आइडिया। देखो बालवीर तो बीबी है, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। अगर कोई बच्चे पे मुसीबत आती है तो बालवीर उसको बचाने के लिए जरूर आएगा ना। क्यों? तो इसमें आइडिया क्या है, ये तो सबको पता है। अरे आगे तो सुनो कि आइडिया ये है, मैं तुम दोनों को बहुत धोऊंगा, और तुम दोनों चिल्लाना बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ। अगर बालवीर होगा तो आएगा, अगर नहीं होगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि वो नहीं आया। चलो अब रेडी हो जाओ। एक मिनट, मंटू, बच्चे की जान लेगा क्या? तू अपना साइज देख, और हम बेचारे नन्हे मुन्ने का साइज देख। तू हमें मारेगा तो हम लोग बचाओ बचाओ चिल्लाने के लायक भी नहीं बचेंगे। अरे मैं तुम दोनों को थोड़ी ना असली मारने वाला हूँ, भरोसा करो। मैं सिर्फ तुम दोनों को धोने की एक्टिंग करूंगा, तुम दोनों में पीटने की और चिल्लाने की एक्टिंग करना। अरे यार, हम लोग तेरे जितने अच्छे एक्टर थोड़ी ना है। हाँ, और याद है पिछली बार हम लोग स्कूल के एनुअल डे में पेड़ बने थे और बिना हुआ के हिल रहे थे, इतनी गंदी एक्टिंग है हमारी। हमारे से हर चीज पे डबल है, साइज, इमोशंस, एक्टिंग। हाँ, वो तो है। हाँ, बालवीर तभी आएगा जब कोई दर्द भरी आवाज में उसे बुलाएगा, बचाओ बचाओ, पूरे इमोशंस के साथ। हाँ, ये भी सही है। हाँ, तो हम लोग इसलिए तुझे धोएंगे और बाद में तू चिल्लाना बालवीर बचाओ बालवीर बचाओ। फिर बालवीर आएगा और हमें धोएगा, क्योंकि हम तुझे धो रहे होंगे, और दोस्ती में हम लोग इतना सहन कर लेंगे। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। अरे तुम दोनों श्योर हो कि बालवीर मेरे बुलाने पे आएगा? 100% आएगा। ठीक है, पर एक्टिंग ही करना मारने की, ज्यादा जोर से मत मारना। पक्का। नहीं दिखता यहाँ कोई, यहाँ फिर आई कहाँ से ये आवाज? हो सकता है कोई पंछी आ गया भटक के और घुस गया हो वर्जित क्षेत्र में। हो नहीं सकता ऐसा, कर नहीं सकता कोई, रानी परी के कानून की अनदेखी, चाहे वो हो कि पतंगा या पंछी। पर अब हमें रहना होगा और भी सावधान, क्योंकि है नहीं यहाँ पर डूबा डूबा एक। हाँ हाँ, बालवीर क्या ये कैसे हो सकता है? बालवीर और मेहर, उनको तो वहां भयानक परी की कैद में होना चाहिए। ये सब कैसा चक्कर है, जाकर देखती हूं। कहां गए ये दोनों?
अभी अभी तो मेरी आंखों के सामने मैंने खुद यही डूबा डूबा मैंने अभी अभी यहाँ पर बालवीर को देखा। बालवीर तारा तोरी कैसे हो सकता है वो यहाँ? हाँ हो नहीं सकता वो यहाँ पर, क्योंकि उसको तो सारी परियां मिलके भी नहीं छुड़ा पाए भयानक लोग से। डूबा दो और तीन, चलो अब हमें रहना होगा और भी सतर्क। चलो ये डूबा डूबा भी ना किसी काम के नहीं। मैं अब सबसे पहले भयंकर परी को ये जाकर सूचना देती हूँ कि मैंने बालवीर को परीलोक में देखा है। बालवीर बचा, बालवीर! तू बच्चों को सतत है, तू बिना बात में सब पे रौब झाड़ता है, ये ले उसका मजा। ए डिशू का बालवीर, ए कितना कमाल है, जो अपने साइज का फायदा उठाता है, अपने पापा नहीं चलाता है, ये ले उसका मजा। ए डिशू बचा बालवीर, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, बिना वॉशिंग पाउडर के धोएंगे। ए डिशू बचा, क्यों धो रहे इसे? ये धुलने वाला ही काम करता है, इसलिए धो रहे इसे। अरे चुप, ये बहुत शैतान लड़का है, सब बच्चों को सतत है, ये बहुत खराब बच्चा है, बहुत शैतानी करता है ये बच्चा। हाँ साइज में भी डबल है और शैतानी में भी। अरे अबे चुप, ऐसे मोटे को तो रोज मारना चाहिए, चलो मिल के इसे मारते हैं। नमस्ते कनिष्का। नहीं यहाँ कोई कनिष्का नहीं है। सर मेरा नाम कनिष्का है। तो आप अपने बारे में पूछ रही हैं? सर हम सिटी न्यूज से आए हैं। आइए आइए आइए, क्या बात है क्या बात है, आजकल न्यूज वाले पर्सनली न्यूज देने आते हैं, बताइए क्या न्यूज है? नहीं नहीं सर, हम न्यूज देने नहीं आए हैं, हम बल्लू और मेहर का इंटरव्यू लेने आए हैं, उनके साथ जो जो घटनाएं घटी है हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए बहन जी, उनके साथ जो घटा है ना उसे घटना नहीं कहते, उसे दुर्घटना कहते हैं, और मेरे बच्चों को बार बार उसी दुर्घटना की याद दिला के मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहता। महेश जी, हमारा उद्देश्य उस घटना की याद दिला के आपके बच्चों को परेशान करना नहीं है, हम सब तो बस इतना चाहते हैं कि देश के बाकी बच्चे भी आपके बच्चों से प्रेरणा लें और सीखें कि बड़ों का कहना मानना चाहिए, और जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक मोबाइल जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। हाँ महेश बेटा, ये सच कह रहे हैं। हाँ मानो, जा बल्लू और मेहर को बुला के लेकर जा, जा। आप लोग आइए, वो कैमरा मेरा सब लेके आए ने। हाँ आइए 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 आइए, और आराम से। अच्छा क्या कर रहे हो? अरे पल में दिन पल में रात, पल में दिन पल में रात है ये पृथ्वी लोग अद्भुत, बहुत होता रहता है जादू यहाँ हर पल। गरम चीज जाती है मशीन में और आती है ठंडी होकर, पानी बन जाता है बर्फ। आहा, फ्रिज कहते हैं उसको। और हाँ, ठंडा पानी जाता है एक मशीन में और बन जाता है गर्म पानी, गीजर कहते हैं उसको। आता है सबको यहाँ जादू करना है, इन पृथ्वी लोग जादू ही बड़ा, और ये सास सचों का परिवार आता है इन्हें अपने प्यार का जादू चलाना। हूँ मैं बड़ा खुश यहाँ आकर, अगर तुम ऐसे ही बिना रुके बोलते रहोगे तो सब लोग को पता चल जाएगा कि तुम बल्लू नहीं हो। अच्छा तो रहता हूँ मैं चुप, पर दिल में से जो आ रही आवाज उसे कैसे चुप करूँ? कौन सी आवाज? दिल रहा है डर, कैसा होगा बालवीर, कैसी होगी मेहर, कैसे होंगे सब बच्चे भयानक लोक में। परी भयंकर है, बड़ी निर्दय, कहीं कर ना बैठे बच्चों के साथ कुछ बुरा। डुबा डुबा एक, मेरे दिल से भी एक आवाज आ रही है कि कुछ नहीं होगा, सब बच्चों को, सब वापस लौट आएंगे, मेहर और बल्लू भी जल्दी आ जाएंगे, तुम देखना। मानव हमें गलत मत समझना, हम लोग सबके भलाई के लिए ही मेहर और बल्लू बन के आए। हाँ मानो, पहले बालवीर यहाँ बल्लू बन के आया, फिर वो गया भयानक लोक में परी भयंकर से लड़ने। ओहो, ये टूपा डूबा एक चुप क्यों नहीं रहता? और भयंकर परी ने बना दिया बालवीर को कैदी, और मेहर को भी बना दिया कैदी। डूबा डूबा एक, तुम्हें किसने कहा था पूरी कहानी बताने के लिए? तुमने बताया क्यों कि बालवीर ही बल्लू है? क्या नहीं बताना था मानव को कि बालवीर ही बल्लू है? करना माफ, मैं दोबारा बताता हूँ मानव को,
मानव तुम जो समझ रहे हो वो नहीं बात समझने वाली, अब जो मैं तुम्हें समझाऊं वो है बात समझने वाली, फिर तुम समझो जो मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें। डुबड़ बॉय ये क्या बोल रहे हो तुम, तुमने तो सब बोल दिया, अब क्या समझाने चले। पर नटखट परी आप मेरी बात तो समझिए, मैं ये बिगड़ी हुई बात को समझ सकता हूँ अभी भी, एक मौका तो दीजिए हमें। लो थोड़ी देर की शांति और फिर तूफान, ये दोनों लड़े बिना रह ही नहीं सकते। मेहर और बल्लू अभी किस बात पर झगड़ा शुरू किया मुझे बताओ। एक मिनट। अच्छा तो अब समझा, मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा था, मेरी मशीन की एडजस्टमेंट बिगड़ गई थी। अब बोलो क्या हुआ है बात क्या। अरे जिस बात पर झगड़ा कर रहे थे वो बताओ। अरे मेरी कान की मशीन ठीक हो गई, अब मैं सुन सकता हूँ। बोलो क्या हुआ। कुछ नहीं कुछ नहीं, वो हम लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। नहीं कर रहे थे हम ऐसे ही मस्ती, मैंने तुम्हें बता दिया कि बालवीर। बल्लू बल्लू चुप 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 चुप, मानव को तो पहले से ही पता है ना कि बालवीर ही बीबी भी है ना, बीबी भी बालवीर है। महर जब से तू आई तब से इस बल्लू का कनेक्शन कुछ हिल गया है, वो तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन तुझे क्या हुआ है। मुझे क्या हुआ है, और बल्लू को भी तो कुछ नहीं हुआ। चल हमारी छोड़, अपनी बता, तू कुछ बोलने आया था क्या। अरे हाँ जो बात बताने आया था वो तो भूल गया। तुम लोग जल्दी बाहर चलो, रिपोर्टर तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए हैं, जल्दी बाहर आओ जल्दी। देवताओं का शुक्र कि मानव ने कुछ नहीं सुना। संयम, अरे कैसे रख के संयम, ये कैसे हुआ ये नटखट परी। डुबा डुबा एक, तुम भूल गए हटकाती परी ने क्या कहा था। पृथ्वी लोक में तुम्हें एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, हर 2 घंटे में 5 मिनट के लिए तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। बस वही हुआ है, मतलब गया मर में अगले 5 मिनट तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। क्या कर रहे हो तुम, रहो मैं छुप करो क्या, बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ। बापूजी वहाँ कमरे में आइए आइए, सब लोग आइए। हाँ आइए, बच्चों के कमरे में जाते हैं। बच्चों के कमरे में। नटखट परी ये देखो पूरे 5 मिनट बाकी अभी तो। अरे बाप रे, करे क्या क्या कर रहे हो, सोचो। सोचने गया कुछ और, कर हो गया कुछ और, करे क्या नटखट परी। अरे अब क्या करें डुबा डुबा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, फंस गया। गड़बड़ पे गड़बड़ किए जा रहे हो, तुमसे ना कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हे रानी परी शक्ति देख रही, चला कुछ ऐसा चक्कर, उलझ जाए तार, आ जाए सबको चक्कर। ये क्या हो रहा है भाई? ए भाई, एक मिनट, तुम्हारा वायर फंस गया है। हाँ। निकालो इसे। मैं निकाल दूँ। अरे तुम निकाल रहे हो कि? एक मिनट रुको भाई। अरे मेरा माइक। अरे माइक क्या? अरे इधर से। अरे ये भाई, ये उधर नहीं है। अरे इधर है। तो चले गए, बस 2 मिनट बाकी है। हे रानी परी चलता रहे चक्कर, बस 2 मिनट और, मिले ना तार का कोई और या छोड़। खींच रहे, निकालो। अरे निकालो मुझे। एक मिनट मैं क्या बोलता हूँ बाबूजी, काट डालते। हाँ हाँ हाँ, काट डालो, हाथ पर दोनों काट डालो। अरे क्या, हाथ पर काट डालो।
और तू क्या ताली बजा रहे हैं ऐसे करके? मैं हाथ पैर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वायर काटने की बात कर रहा हूँ। वायर कैसे काट सकते हैं? तो क्या हाथ पैर काट सकते हैं? चैनल वाले मेरी पगार काट देंगे। भाई साहब मेरी पगार में से अपनी पगार ले लेना, लेकिन अभी वायर काटने दो। निकालो मुझे। अरे हो गए 5 मिनट पूरे, बन गया परी नटखट से मेहर और तुम बन गए बल्लू। हाँ, जल्दी बंद करो ये चक्कर। हाँ हे रानी परी, उलझी हुई तार को और मत उलझा, टल गया खतरा अब तार को सुलझा। ये ऐसे कैसे निकल गया बापूजी? ऐसे कैसे निकल गया मतलब? ये नहीं निकलना चाहिए था हा? ये कोई पहेली है जो कभी सुलझेगी ही नहीं? नहीं, नहीं नहीं, मेरे कहने का अर्थ है। मेरे अच्छा। कहने का मतलब छोड़, अब ये बच्चों का इंटरव्यू करना है कि नहीं? हा, हा, तो चलो। और भाई तुम मुझसे दूर रहना। रुक जा, संभाल ना बापू जी। निकल आइए, सब लोग आइए यहाँ। एक मिनट, डुबा डुबा इधर सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इंटरव्यू के समय अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना, बिल्कुल बंद रखना, वरना तुम कुछ गलती जरूर करोगे। तुम एक काम करना, जब भी तुमसे कोई सवाल पूछे तब मेरी ओर इशारा कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगी, समझे? है ठीक, होगा ऐसा ही जैसा आपने कहा भी। अरे पापा, आप लोग आए नहीं, कितनी देर से वेट कर रहे थे हम। नहीं लाए लो आप लोग अंदर, इसलिए आ गए हम लोग बाहर। अच्छा अभी आप लोग बाहर आ ही गए ना, तो फिर इंटरव्यू हॉल में ही कर लेते। चलो 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 चलो, मेरे पास क्या तुम करे कोई और भरे कोई, मगर बालवीर तुम ये मत समझना कि तुम बच गए, सजा मिलेगी तुम्हें, अपनी चालाकी की बराबर सजा मिलेगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। परी भयंकर, परी भयंकर, हो रही तुम जादू हलचल इस पानी में, चलो जल्दी से चलिए। एक नाराज क्या कम थी जो ये भी आ गई आपको परेशान करने, और जितनी भी चाहे कर ले ये दोनों चमचागिरी आपकी, बनूंगा मैं आपका प्रधानमंत्री। चुप रहो, बोलो दराज क्या हुआ? भयंकर परी, हम एक बड़ी अजीब सी उलझन में, हमें लगा था कि बालवीर और मैं वहां आपकी कैद में है, पर हमने उन दोनों को यहाँ परीलोक में देखा है। क्या, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपने परिवार के साथ पृथ्वी लोक पर है, और मुझे लगता है बालवीर भी उसी के साथ है। नहीं नहीं भयंकर परी, आपने जिस महर को देखा है वो असल में महर नहीं बल्कि नटखट परी। नटखट परी, ये क्या कह रही हो तुम? भयंकर परी, जिन परिवारों के बच्चे गायब हुए हैं उन परिवारों के दुख कम करने के लिए यहाँ की बहुत सारी परी और डूबा डूबा बच्चे बनकर वहाँ पर गए, जिनमें से नटखट परी मेहर बनकर डगली परिवार में रह रही है। लगता है परियां पागल हो गई। हाँ, खुद का दुख कम है जो दूसरों का कम करने चली। खैर, कम से कम ये तो पता चला कि बालवीर ने मेरे साथ धोखा नहीं किया, वो अभी भी परीतारा लाने के लिए परीलोक में अपने काम में जुटा है। हाँ, परी भयंकर है नहीं, बात सही जो कह रही है ये तारास परी। अच्छा, है सही जो कह रहा हूँ मैं आपको, बालवीर निकला चतुर चालाक, भाग गया देखिए धोखा आपको। चुप रहो बेवकूफ, राई का पहाड़ बना दिया तुमने, अगर अब की बार ऐसी अफवाह फैलाई ना तो तुम्हें चुंदर बना दूंगी मैं।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.